मोतिहारी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने मतदाताओं से रूबरू होने का एक अनोखा तरीका निकाला है। जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों के साथ खेत में जाकर गेहूं की फसल काटी और किसानों का हाथ बटाया। इसके साथ ही 12 मई को होने वाली चुनाव में किसानों को वोट करने की अपील भी की। विलेजेस का विजिट कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं या उनके परिवार की हमारी बहनें हैं, ये लोग फसल काटने के लिए खेतों में जाते हैं, तो कई बार जब हम लोग उनको जागरूक करने जाते हैं तो वो घर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए आज हम लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और इस क्रम में आगामी बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए भी हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के गंडक नदी के तटबंध है उसका निरीक्षण किया है। जहाँ जहाँ जो कार्य हो रहे हैं उसको भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सो हमारी साथ साथ अनेक तरह के कार्य चल रहे हैं, बाढ़ पूर्व तैयारी का भी काम, मतदान के लिए जागरूक करने का भी काम और इस क्रम में ये जो दियारा का बेल्ट है यहाँ पर कुछ वल्नरेबल बूथ हैं या ऐसे बूथ हैं जहाँ पर पिछले चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज था, तो वहाँ के लोगों से विशेष तौर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और गंडक के दियारा एरिया में अग्निकांड की भी घटनाएं होती हैं, तो बातचीत के क्रम में उनको यह भी बताया जा रहा है कि अग्निकांड से सुरक्षा के लिए कौन कौन सी वो सावधानी बरते हैं। चूल्हा चौकी का काम सुबह 6-7 बजे तक वो निश्चित तौर पर कर लें, इसी प्रकार शाम में जब हवा शांत हो जाए उसके बाद वो लोग अपने चूल्हा चौकी में जुटें ताकि अग्निकांड की ऐसी कई घटनाओं को हम लोग सावधानी के साथ रोक सकते हैं। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने एक साथ फसल काटकर किसानों से मतदान का प्रयोग करने का आग्रह किया। बता दें कि 12 मई को जिले में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।